नमस्ते। हमने पूरा शाडू क्ले के साथ गणेश बनाए, आज उसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप सबने ये शाडू क्ले बना दी होगी, आप सबके पास क्ले पहुंच गया है। क्ले में करीब 3 किलो क्ले पहुंच गया है, उसमें करीब आपने 1.25 लीटर पानी डाल के ऐसा क्ले बना दिया ताकि वो चिपके नहीं हाथ पे, और एक जैसे रोटी काटा बनते हैं वैसे, और थोड़ा सा अंदर कॉटन डाल दिया होगा। अब ये जो आपकी क्ले तैयार है, उससे हमारे साथ आज स्टूडियो वर्ल्ड एटेलियर से हरीश जी हैं, जो बहुत अच्छे स्कल्पचर है और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टेप बाय स्टेप सबको सिखाया भी है कैसे गणेश बनाते हैं। तो आज हम ये स्टूडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई मीन आज ये पूरा पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके स्टूडियो में। सो हरीश जी के साथ साथ मैं भी बनाने की अपना गणेश कोशिश कर रही हूँ, सबको बनवाती हूँ, सोचा आज खुद साथ में उनके बनाती हूँ। और आज आप इस स्टूडियो आप वीडियो को देखना, जहाँ लगे आप पॉज कर सकते हो, और पूरा वीडियो बनाने के बाद, देखने के बाद, साथ साथ में गणेश बनाने के बाद प्लीज हमारे साथ शेयर करना आपका गणेश कैसा बना। सो हरीश जी आपके लिए अभी नमस्कार मिट्टी के साथ। नमस्कार मिट्टी के साथ। अभी हमने एक मिट्टी का क्यूब लेके हमने एक बेस बनाया है, जबकि बेस मेरे अंदाज से ये 8.5 फीट 8.5 इंच बाय 7 इंच इतना है, जबकि आप उसके छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने गणेश जी के हिसाब से। सबसे पहले मैंने ये बेस बना के उसमें ये एक छोटा सा ग्रू लगाऊंगा, जबकि वो गणेश जी की गाड़ी की इमेज देगा। जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे उसमें पानी लगा के उसको फिनिश करते जाएंगे। महेश भाई कितना मोटा चाहिए ये? बिकॉज मेरा भी बन रहा है साथ में थोड़ा आप सा, अंदाज से मेरे अंदाज से 8 इंच बाय 6.5 7 इंच कर सकते हैं। और ये करीब 1.5 इंच के हाँ, आसपास। वो उसकी हाइट जो है कम से कम 1.5 इंच या उससे थोड़ा छोटा रहेगा तो भी अपने को वो इमेज मिलेगा गद्दी का। ठीक है। इतना होने के बाद उसको मैं उंगली से घुमाता जाऊंगा, जबकि ऊपर गाड़ी का इमेज बनता जाएगा। उसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा हाथ में पानी लेके उसको फिनिश करता जाऊंगा। मेरा तो अभी बेस रेडी हो रहा है। आपको थोड़ा हल्का सा ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके तो वो फ्लैट होता जाएगा। जनरल गाड़ी का सेट बन गया है। देखिए मैं नजदीक ला के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक ग्रुप बनाया है, जबकि नीचे का बेस ऊपर गाड़ी जैसा थोड़ा इमेज मिलेगा। अभी तक मैंने टूल्स यूज नहीं किया, उंगली से ही करता जा रहा हूं। टूल्स में अपने पास चम्मच है, एक छोटी सी अपने आइसक्रीम स्टिक जैसा है, हाँ बटर नाइफ भी यूज कर सकते हैं। बटर नाइफ भी यूज कर सकते हैं, स्केल है, पानी लगाने के लिए ब्रश है, और एक छुरी जैसा मैंने अपने पास रखा है। जितना हो सके इतना अच्छा उंगली से पानी लगा के ये बेस को फिनिश करना है। ये बेस इवन होना बहुत जरूरी है, और इवन कैसे करना इवन करने के लिए एक तो अपने पास स्केल है, उस तो स्केल से ऐसे इवन कर सकते हैं जी। जबकि वो सीधा हो जाएगा।
और हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उंगली का थंबप्रिंट जैसा थोड़ा अनइवन रहेगा तो अपने को कॉटन की गद्दी जैसा लगेगा, हम सीधा करेंगे तो शायद ये सीमेंट का उपला जैसा इफेक्ट देगा, उससे अच्छा थोड़ा बहुत थंबप्रिंट रहना चाहिए ताकि वो कॉटन की गद्दी हो ऐसा लगेगा। इसके बाद मैं इसका एक बॉडी का मेन बेस बना रहा हूं जबकि वो एक बड़ी सी चॉकलेट इक्लेयर की तरह होगी। मेरे ख्याल से ये जो बेस बनाने में जितना 1/3 क्ले जितनी आपके पास क्ले उसका 3 हिस्सा तो चला जाता है, हाँ 1/3 क्ले इसमें चला जाएगा। ऐसे मैंने उसको ऐसे लगा लगा के मैंने एक छोटा सा यानी बड़ी साइज का चॉकलेट का क्यूब है वो ऐसा मैंने बनाया जी। कितना लंबा होगा ये? ये कम से कम 3 इंच हाथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं ऐसे उंगली जितना है, फिर ऐसे 1 इंच जितना है, ऐसे मेरी 1.5 इंच उंगली अगर ये पूरी उंगली जितना जी। उसको मैं ये बेस के ये पीछे और यानी ये हम गणेश जी का पीछे का भाग बना रहे हैं तो उसमें पहले इन्हें इसको यहाँ फिक्स करूंगा। ये रख के मैं छोटा सा थोड़ा सा क्ले लेके इसको जॉइंट करूंगा जबकि वो मजबूती से वहां पकड़ के रखे। इसमें हरीश जी एक सवाल था कि कौन बना सकता है, कोई आर्टिस्ट वाला दिमाग हो वही बना सकता है या इसको कोई भी बना सकता है? ऐसा नहीं है, वो गॉड गिफ्ट होता है जी, वो अच्छी तरह कर सकते हैं। हाँ। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो समझो कि उनको कैसे भी बनाएगा वो अच्छा ही रहेगा। सही बात, वो कैसा भी बने चाहे गणेश जी का जनरली ऐसा लगे कि ये मुंह बना है ये सूंड बना है ये दंत है ये हाथ है ये लड्डू है जी। उतना तो इमेज मालूम है कि लड्डू का शेप क्या होता है, हाथी के दांत और गणेश जी के दांत कैसे होते हैं जी, वो जनरली सब बना लेते हैं। हाँ। चाहे वो उसका थोड़ा सा हल्का सा शेप अलग हो हाँ। लेकिन दिखता तो फॉर्म आ जाता है। हाँ, फॉर्म आ जाता है जी। मेरा तो बेस रेडी हो गया आपका रेड। अब इसके बाद मैं इनके दो पैर बनाऊंगा। इसके लिए मैं इसको गाजर की तरह शेप बनाऊंगा। देखिए ये नीचे से पतला है ऊपर से मोटा है। एक हाथ के आधे से बता दो ना कितना लंबा है। ये कम से कम 9 इंच जितना है। जरूरत पड़े हम पैर वहां रखेंगे तो काट लेंगे ज्यादा बड़ा होगा तो। अभी मेरे हिसाब से उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए मैं एग्जैक्ट बता दूं, इसमें से बता के 9 इंच के बदले 8 इंच जितना होना चाहिए। अभी ऐसे मैं 2 बनाऊंगा। देखिए ये एक बन गया। पहले ही टाइम में सही मात्रा में क्ले लेना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है ताकि अपने पास 3 किलो है तो 3 किलो के हिसाब से बड़ा आराम से बन जाएगा।
हम लोग डर डर के क्ले हाथ में लेते हैं। से देखो क्ले तो कोई डरने की चीज ही नहीं है, उसमें आप जैसे हाथ घुमाएंगे वैसा सेफ मिलेगा और आपको हर एक सेफ में आनंद मिलेगा जी। अभी मैंने दो सेप बनाए, इसमें एक लंबा एक छोटा है, उसको दोनों सेम करने के लिए मैं ऊपर से उसको काट दूंगा छुरी से। ये गाजर की तरह होगा, ऊपर से चौड़ा होगा नीचे से पतला होगा, गाजर की तरह होगा। ये दोनों को यहां मैं एडजस्ट कर रहा हूं, उसमें तिरछा कट लगाऊंगा जाके ये हमने जो चॉकलेट क्यूब रखा था वहां वो फिक्स होगा। दूसरा भी मैं तिरछा काट रहा हूं, इतना हिस्सा इसका निकल रहा है। काटने से दूसरे पैर का, अब दोनों आमने सामने लगेंगे ऐसे तो ये गणेश जी का एक पैर ऊपर रहेगा जब वो मैं यहाँ फिक्स करूंगा। देखिए ये मैंने ऐसे पैर फिक्स किए एक के ऊपर एक, इसमें लेफ्ट पैर नीचे रहेगा राइट ऊपर रहेगा गणेश जी का। अब बाकी वाले हिस्से में मैंने यहाँ इसमें मिट्टी भरनी है सबको, इतना होने के बाद इसको फिर से पानी लगा के फिनिश करना है। ये मेरे ये दो पाव बन रहे हैं, फिर एक बार मैं आपको दिखा दूं, एक बार क्या बोलते हैं, ये दो पाव मैंने बनाए। हाँ तो ये दोनों को सेम करने के लिए ऊपर से काट, तो ऊपर से काटना है ठीक है। मेरे ख्याल से जब पानी लगाते हैं तो स्मूथनेस आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, अपने चाहे फिनिशिंग आ जाती है। गणेश के कौन सा वाला पाम आपने तो ऊपर रखना है, लेफ्ट राइट वाला ऊपर करना है okay. और लेफ्ट वाला डाउन। अब ऐसे फिक्स करना है ताकि वो मजबूती से पकड़ के रखे, जब ये सूखेगा तब ये एक साथ श्रिंकेज होगा ताकि उसमें कहीं से भी क्रैक नहीं आएगा। एक बार आपको पाँव जो आपने दिखा है वो फिर से दिखा दो, फिर से दिखाऊं हाँ, ताकि क्या एक बार एंगल ऊपर से टॉप से सबको आ गया जाए। मैं भी वीडियो ऐसे करती हूँ, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये पाँव हमने ऐसे एकदम बैंड करके बना दिए, उसमें एक तिरछा कट लगाया है, वो तिरछा कट हमारा यहाँ लगेगा जी, वो ऐसे जाके इसको फिक्स रहे, फिक्स हो जाएगा।
अभी चिपकाने के लिए आप पानी भी लगा सकते हैं यहाँ दोनों साइड, फिर इसको चिपकाएंगे तो अच्छी तरह चिपकेगा। इसमें गणेश जी का राइट यानी जमुना पैर है वो ऊपर रहेगा, लेफ्ट नीचे रहेगा। और आपने बीच में भी वो सब मिट्टी भर दी? बीच में मैंने यहाँ मिट्टी भर दी है, यहाँ तक तो एकदम सही है। और तो पद्मासन में हो गया। हाँ, ये सिंपल तरीके से जा रहे, इसको हम चाहे इतना डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए सिंपल स्टेप से जा रहे हैं। इसके बाद हम उनकी धोती का सेट लेंगे। मैम आपका हो गया वहां तक का? बस यस यस, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आराम से करिए, मैं इतना फास्ट नहीं भागूंगा। मैं साथ साथ इसलिए बना रही हूँ, मैं अपने साथ जो बनाने का वीडियो देख देख के बनाने वाला था, मेरे से या तो स्पीड कम होगी या मेरी जितनी होगी। अभी हमने एक ऐसा कॉइल की तरफ बनाया है, इसको ऐसे घुमा घुमा के बड़ी सेवैया की तरफ बनाना है। इसको मैं यहां से घुमा के इसे लगाऊंगा ताकि धोती का शेप बन जाए। ये कितनी पतली कॉइल होगी जो? यानी और बतला करिए आप, कम से कम मैं दिखाऊं आपको कितना पतला होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक, अभी मिल के दोनों के बीच में उसका सेम साइज मिल जाएगा, गेज हो जाएगा। उसको ऊपर से घुमा के ऐसे आप थोड़ा इस बाजू करें करके और नजदीक दिखाओ, फ्लैट करना पड़ेगा। हाँ, उसको यानी ऊपर मर्ज कर देना अपने पैरों के साथ गणेश जी के, ताकि एक धोती का वो बाल लटकता हुआ दिखेगा, वो पीछे तक ले जाना है अपने ये पीछे वाले बाल तक। अगर कम पड़े तो एक और छोटा सा बना के वहां ज्वाइंट कर देना ऐसे। चम्मच है, चम्मच से थोड़ा सा ऐसे करके फिनिश कर सकते हैं। इसको मैं जरा करीब लेती हूँ आपके। हाँ, ये ऐसे सेव लिया है धोती का, तो सिंपल फॉर्म में लिया है। अगर इसमें अगर ज्यादा वो डेप्थ वो दिखाना तो एक फोल्ड हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं। ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, तो ऐसा लगे कि धोती पैर से ऊपर घूम के नीचे की तरफ जा रही है। इसमें बहुत जरूरी है कि क्ले बहुत ज्यादा कड़क ना हो। हाँ, इसमें आप पानी लगाते जाओगे तो क्ले को थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा तो गीला रहेगा। अगर ज्यादा हवा इसके पंखे के नीचे काम करते होंगे तो जल्दी सूखता जाएगा, पानी कंटिन्यूसली हाथ में पानी लगाना पड़ता है। जैसे ये मैं फिनिश करता जा रहा हूँ, देखिए इनमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट उसका जनरल प्रपोर्शन, जनरल प्रपोर्शन आ जाएगा तो आप इसके बाद इसको क्रिएट कर सकते हो। मेरा फोन साइड में रखा, यहाँ तक तो हमने धोती बना ली। सेम दूसरे पैर में है तो हम उसमें मिट्टी ऐड नहीं करेंगे, उसमें हल्का सा ऐसे शेप देके धोती का
इमेज ले सकते हैं, ऐसा लगे कि दूसरे पैर में धोती लगा हुआ है। ये हम आखिरी में थोड़ा हल्का सा फिनिश कर देंगे इसमें। अभी इसके बाद इसका पेट का भाग हम बनाएंगे, जबकि एक बड़ा बोल की अपने क्रिकेट का जो बोल होता है उस हिसाब से उसको बोल बनाना है। ये मिट्टी में थोड़ा सा बड़ा लेना है, रख के एक बार देख सकते हैं। ये क्रिकेट के बॉल के साइज का हो गया, जबकि वो बनेगा गणेश जी का तोन। उसका पेट का भाग हमेशा बड़ा रहते थे, वो खाते पीते ज्यादा था इसलिए। गणेश को वैसे भी लड्डू बड़े प्यारे हैं, मोदक मोदक। ये मैंने बड़ा सा बॉल बना लिया, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्रिकेट साइज का क्रिकेट का बॉल। हाँ, फिनिश करके हल्का सा जो भी क्रैक छोटा मोटा हो उसको फिनिश करके आप लगा सकते हैं उंगली से। इसमें हल्का सा पानी लेके इसको अच्छा सा फिनिश कर सकते हैं। देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ चिपकाऊंगा, जबकि ये आपको दिखेगा बॉडी का पीछे का हिस्से में, ये पीछे का पार्ट है, इसके एग्जैक्ट ऊपर हम ये लगाएंगे। अब ये लगाने के बाद इसके जो भी जॉइंट्स है वो भी हमको मिट्टी से फिलअप करना है, ताकि वो मजबूती से पकड़ के रखे। अब देखो ऐसे ही मैंने पतला सा वो बनाया, उसको यहाँ ऐसे करके उंगली से दबाता जाऊंगा कि वो मजबूती से पकड़ा रहे। हल्का सा ऊपर से दबा देंगे, इसको थोड़ा यहां से राउंड कर देंगे दोनों साइड से, कि वो कमर का थोड़ा अच्छा इमेज लगे। अच्छी तरह से सारा मर्ज कर देना बॉडी को, इसे मर्ज कर देना। यहाँ तक तो आपको लगेगा कि गणेश जी का पेट बन गया है बड़ा सा। इसके बाद गणेश जी का शोल्डर का ऊपर का बनाना होगा, चेस्ट और शोल्डर का हिस्सा बन जाएगा, शोल्डर का हिस्सा बन जाएगा। के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट बना रहा हूँ। आप इस बार जो जरा करेंगे वो तो मैं शेप बना लूँ पहले, क्योंकि आपके शेप आप आसानी से बना लेते हैं, हम लोगों को देर लगती है। बात सही है, क्योंकि मैं इजी चला जाता हूँ। ये ऐसे करके मैं उसको हाथ से ही ऐसे दबा दबा के उसको शेप ले रहा हूँ। ये टूट से करो तो भी हो जाए, लेकिन ये इजी रास्ता है, जबकि हमको लेवल मिलेगा अच्छा। ये अगर बड़ा है
तो मैं उसको थोड़ा छोटा करूंगा। मैंने ऊपर रख के उसका माप ले लिया, ये वैसे बड़ा है, दिख रहा है ऐसा है, तो मैं उसको इतना काटूंगा छुरी से। आप अपने पास में पेपर कटर भी रख सकते हैं। हाँ, छुरी या चम्मच, वो चम्मच से भी ऐसे ही कट जाता है ऐसे। अब फिर इसको फिनिश कर लेता हूँ। इसको ये वाले हिस्से में ऐसे ऊपर से दबाऊंगा जबकि वो थोड़ा हल्का सा बेंड हो जाएगा और शोल्डर का इमेज बनेगा। अब आप देखेंगे पीछे से ऐसे करके ऐसे रहूंगे, राउंड है वो, बाद में हम उसको बताएंगे कैसे करना है। अभी ये जो हमने लगाया क्यूब, उसको हम ऐसे उंगली करके उसको फिक्स कर रहे हैं। ये जो पार्ट सीधा है उसको हल्का सा नीचे से ऐसे दबाएंगे, मैं दिखा दूं साइड से, ये हल्का सा ऐसे दबाएंगे। ये सभी साइड से फिक्स हो गया। ये भी अपने को शोल्डर का एक पार्ट बना है, उसको मैं हल्का सा पानी लगा के फिनिश कर दूंगा। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। इसके बाद ये जो पीछे का पार्ट है जो ऐसे बोल जैसा बन गया है, उसको मैं ऐसे चम्मच या छुरी से काट लूंगा। ये पार्ट एकदम सीधा हो गया आपके हिसाब से। अभी यहां से मैं उसको दोनों साइड से ऐसे गोल घुमा दूंगा ताकि एग्जैक्ट फ्लैट ना दिखे, कोना ना बने। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है अपना, यहां से यहाँ का बीच वाला हिस्सा है, यहां से हम उंगली से दबा के उसको हल्का दबाएंगे ऐसे, और दोनों साइड से हम फिनिश कर देंगे। ये स्पाइन, यानी ये स्पाइन का पार्ट बन गया। हमेशा अपने पीछे की साइड ऐसा होता है। अब ब्रश लेके अब फिनिश कर सकते हैं। मेरा ब्रश हार्ड हो गया, इसलिए थोड़ा टेक्सचर बन गया, थोड़ा सॉफ्ट कर दो। अभी जो है उसको ऐसे करके ये पूरा हल्का सा पानी दे दूं और फिनिश भी हो जाए ताकि अपने को चीज गंदी ना दिखे। यहां से थोड़ा सा दबाएंगे तो आपको थोड़ा बॉडी का फील अच्छा रहेगा। ये पीछे का पार्ट, ये वाला पार्ट, तो हमको दो छोटे गोले बनाने हैं। ये नॉर्मल मार्बल के साइज का होगा ना? मार्बल से थोड़ा होगा। हाँ, यानी बड़ी मार्बल मिलती है उस हिसाब से ये दो गोले बनाए हमने। वो एक इधर लगाना है,
और एक ऐसे लगाना है, उसको अब मर्ज करना है, दोनों मिक्स करके ऐसे मर्ज करना है ताकि वो अपने को एग्जैक्ट गणेश जी का छाती का पार्ट बनेगा। ये गणेश जी के छाती का हिस्सा पूरा का पूरा। सो आपने दो मार्बल लिए हैं, दो मार्बल को इस तरह लगा के उसको फिर बॉडी के साथ मर्ज कर दिए ऐसे, ऊपर से हल्का सा ऐसे राउंड कर देंगे। ये देखिए, ये हमने दो मार्बल जैसा दो मिट्टी के गोले बना के यहाँ लगाए। उसके बाद उसको मैंने सभी साइड से उसको बंद कर दिया, फिनिश कर दिया। मार्बल का जो इमेज था यानी गोले का, वो इसमें मर्ज हो गया। ये आपको बताने के लिए मैंने मार्बल का नाम लेके ये बनाया। अब छाती के सेंटर के पार्ट में थोड़ा सा डेप्थ रहता है, यहाँ तक आपको लगेगा गणेश जी का आधा शरीर से ऊपर बन गया है। पीछे का हिस्सा भी आपको दिख रहा है सही, पेट भी बन गया। धोती भी बन गई, इसको थोड़ा सा टॉप लुक भी दे देते हैं। ये ऐसा लगना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा कहीं कम लगता हो तो मिट्टी लगा देते। इसके बाद गणेश जी का पैर बनाएंगे। पैर के लिए हम वाटर ड्रॉप की तरह हम वो शेप बनाएंगे। ये बना वाटर ड्रॉप की तरह, ऊपर से पतला नीचे से मोटा। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम दबा के आगे की उंगलियों वाला पार्ट बनाएंगे। उसमें जो अंगूठे वाली साइड है वहां थोड़ा मिट्टी मोटा रहेंगे, पतली उंगली की तरफ होता है वो पतला रहेंगे। हमेशा राइट पैर ऊपर है तो अंगूठा ऊपर रहेगा, ऐसे आने वाला है। मैं घुमा के दिखा दूं जी। अब ये पैर उनके बाद मैं चम्मच या कोई छुरी से इसमें पहले उसका अंगूठे का शेप लूंगा जो सबसे बड़ा रहेगा। इसके बाद छोटे छोटे तीन कट लगाऊंगा तो चार उंगली बन जाएंगी। उसको शेप देना है तो ऐसे नाजुक ही दिखाने के लिए हम कभी कभी ऐसे शेप देते, थोड़ी उंगली उठा लेते, अंगूठा नीचे की तरफ झुकाते ऐसे। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हल्का सा पानी लगा के मैं इसको यहां फिक्स करूंगा। अभी यहां थोड़ा ज्यादा मिट्टी है तो मैं उसको निकाल दूंगा। एक्सेस मिट्टी निकालने के बाद इसको मैं यहाँ फिक्स करूंगा। सामने से मैं थोड़ा देख के उसको फिनिश कर दूंगा, अपनी नजर के हिसाब से उसको दबा दबा के पैर को सेट करना है। हमने यहाँ उंगली ऊपर रखी थी, अंगूठा थोड़ा ऊपर रख के उसको सेट दे दे। पांव की हथेली के जैसा शेप देना है, थोड़ा सा अंगूठा फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया ऊपर की तरफ, उंगली नीचे कर दी, उंगली पीछे की तरफ कर दी और अंगूठा थोड़ा आगे की तरफ कर दिया। और उसको ये क्ले का यही खासियत है, जब आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, पानी डाल के आप थोड़ा सा, और हर जगह आपको कहीं ज्वाइंट दिखेगा भी नहीं, आप ज्वाइंट को मर्ज कर सकते हैं। अभी हमको एक
ऐसे पतली कॉइल बना के ये उसके कमर के हिस्से में लगाना है, यहाँ से घुमा के पीछे तक। अभी ये छोटी है, इसको थोड़ी दो पार्ट में बनाएंगे ऐसी, तो आधा इधर से आधा उधर से लग जाएगा। ऐसे करके घुमा के भी आप कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। अब मैं यहाँ से उसको यहाँ दबा दबा के उसको धोती का जो ऊपर का बैंड रहता है वो मैं बना रहा हूँ, ताकि ऐसा लगे कि गणपति जी का धोती का यहाँ से शुरुआत होता है। अब इतना छोटा रह गया है तो मैं इसको छोटा एक बना के इसको यहाँ तक का भर देता हूँ। ये आपने जब बेल्ट लगा लिया तो पूरा मतलब पांव का हिस्सा अलग हो गया और ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, तो एक कलर शेप आ गया बॉडी का, शेप आ गया और ऐसा लगेगा कि यहाँ से गणेश जी की धोती शुरू हुई। हाँ देखिए जी, आपको एक टॉप का व्यू भी सबको दे देते हैं। ये लगाया हमने आखिरी में एक बेल्ट जो धोती में, वहां से धोती शुरू होती है ऐसा लगेगा। अगर आप ये जो बेल्ट लगाए अगर यहाँ से ऐसे मर्ज कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे ये पार्ट है तो यहाँ से ये ऐसे मर्ज कर देंगे। अब उसका हम हाथ बनाएंगे। एक बार वैसे थोड़ा इनका शेप ले लेंगे। अच्छा अभी ये शेप गाजर की तरह बनाने जा रहे हैं, जो ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है। ये अपना हाथ बनेगा यहाँ तक। अभी उसको ज्यादा मोटा है तो मैं उसको थोड़ा पतला कर देता हूँ। ये इतना लंबा है तो उसको मैं ऊपर से यहाँ से काट देता हूँ। ऐसे हमको दो पार्ट बनाना है, लेफ्ट और राइट हैंड का, यानी दो हाथ ऐसे यहाँ और यहाँ लगेंगे। दूसरा मैं बना के अभी डील कर देता हूँ। से घुमा घुमा के ऊपर से पतला कर रहा हूँ, नीचे मोटा हो रहा है। अगर ऐसे अपने हाथ से शेप नहीं बनता है तो ऐसे प्लाई लेके प्लाई के ऊपर ऐसे घुमा घुमा के पीछे का हिस्सा बड़ा कर सकते हैं, आगे का बड़ा पतला कर सकते हैं। दोनों की साइज
ऑलमोस्ट 90 का आ रही है, आने का बाद थोड़ा पतला हो गया। हो सके इतना इक्वल बनाना है। ये देखिए अभी ये दो बन गए हैं, अब ये मोटा है तो इसको मैं इधर से काट दूंगा, इसको काट के साइड में रख दूंगा। ये दो हिस्सा दोनों हाथ बने हैं, अभी ऐसे आपको सामने से दिखा दो। अभी सीधा इसलिए रखा है कि ताकि आपको समझ में आए, उसको हमको मोड़ना है। सही है, अभी ये जो हाथ लगाया वो हम ऊपर से ऐसा दबा के पतला करेंगे दोनों को, ताकि यहां से ये ऐसे चिपक जाए। सभी साइड से उसको शोल्डर के साथ पकड़ाना है, इसको भी ऐसा करके हाथ नीचे तक यहां टच रहना चाहिए फ्लोरिंग तक। इसको मैं फिक्स कर रहा हूं, पीछे से भी ऐसे फिक्स कर रहा हूं। यहाँ तक को तब तो आपको दिखेगा कि हाथ बन गया है। अब इसको मैं सेंटर से यानी ये वाले पार्ट से इसको मोड़ के ऐसे घुमा रहा हूं, ताकि अपना आशीर्वाद वाला पोजीशन आ जाए। गणेश जी हमेशा राइट हैंड से अपने को आशीर्वाद देते हैं, लेफ्ट हैंड में लड्डू रहता है। सभी सबके हाथ बन गए, राइट वाले ऊंचे और लेफ्ट वाले में हाथ में लड्डू होगा जो भी हम उसको मोड़ देंगे। उसको जितना हो सके इतना चिपका के रखना है, ताकि आगे जाके सूखने के बाद वो क्रैक ना हो जाए। इसको मैं एक बार ब्रश से हल्का सा पानी लगा देता हूँ। ये हाथ ऊंचा है तो मैं उसको हल्का सा नीचे सपोर्ट दे देता हूँ। के बाद हम उसके शरीर के ऊपर जो गहने आते हैं वो बनाएंगे, उसके लिए पतला सा कोयल लेंगे, यहाँ आएंगे। मैं ड्रॉइंग करके दिखा दूं आपको कि अपना यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, जो हमको एक पतला सा कोयल बना के
ऐसा एक पतला सा कोइल बनाएंगे। इसको ऐसे घुमा घुमा के हम पतला किया है। इसको यहां से लेके जो मैंने ड्राइंग किया उसके ऊपर चिपकाता जाऊंगा। सबसे मजा इसकी है कि ये चिपक जाता है, जैसा चाहिए वैसा सिर ले लेता है मिट्टी। ये हो जाने के बाद छुरी से यहाँ पे हल्की सी लाइन लगाऊंगा, जैसा आप चाहे वैसा उसमें डिजाइन बना सकते हैं। ये आपको सिखाने के लिए, बाकी और बहुत सारी डिजाइन बन सकती है इसमें, मिट्टी ऐड करके भी बन सकता है, फूल पत्ती बना सकते हैं। अच्छी तरह इसका ऑर्नामेंट बनते हैं। ये अभी दिखाने के लिए हमने एक हल्की सी लाइन बनाई है। इसमें अगर अपने पास वो पृथ्वी को या पत्ता सा कोई टूल्स बनाया हुआ हो उससे हम ऐसा सेप दे सकते हैं ताकि वो ऐसा लगे कि अच्छा सोने का चीज कुछ पहना है गणपति जी ने। इस तरह उसके बाद एक छोटा सा ऐसा बोल बनाना है इस साइज का। इसको मैं ये यहाँ हार के नीचे फिक्स करूंगा और इससे भी छोटा जिसके ऊपर चिपकाऊंगा जो डायमंड की इफेक्ट देगा। पतली रस्सी की तरह एक छोटी सी मिट्टी की दोरी बनाऊंगा जो जनेऊ बनेगी गणपति जी की। देखो ऐसे घुमा घुमा के मैंने ये पतला सेप बनाया है। इसको मैं और थोड़ा लंबा करना है इसलिए मैं उसको और पतला बनाऊंगा। मिट्टी को जितना घुमाओगे इतना लंबा होता जाएगा। ये है यहां से इसको काट के हार के नीचे से लेना है इसलिए मैं यहां से उसको आधा करके यहां ले रहा हूं, फिर उसको जनेऊ को यहां तक पूरा कर रहा हूं। देखिए कुछ इस तरह गणपति जी ब्राह्मण थे इसलिए उसको जनेऊ वो पहनते थे।
गणपति जी का जो वस्त्र होता है ऊपर पहनने का, जो उसको उपरना बोलते हैं, वो बना रहे हैं। उसके लिए हमने ये इतना मिट्टी लिया है, उसको ऐसे घुमा घुमा के लंबा बनाया है और इसको हम उंगली से दबा के उसको पतला करेंगे, यानी ऐसे पट्टी की तरह। इसको दबा के ऐसे दबा के फिर ऐसे मारेंगे तो सीधा हो जाएगा। देखिए दोनों साइड प्लेन हो रही है। इसको मैं और फिनिश कर रहा हूँ, उंगली से मार मार के उसको पतला कर रहा हूँ। इसके अंदर कॉटन होने की वजह से वो जल्दी क्रैक नहीं होगा, जितना होगा इतना अच्छा लंबा होता जाएगा। अभी ये जो पार्ट है मैंने उसके वस्त्र के लिए यानी उपरना के लिए बनाया, उसको मैं यहाँ से ये वाले हिस्से से एग्जेक्ट आपको बताऊं कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ घुमा के पीछे की तरह से लेके फिर यहाँ घुमा के ये आगे वाला जो पार्ट है यहाँ तक जाएगा। देखिए आपको मैं इधर से दिखा दूं, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से घुमा के आगे तक आ गया है। देखिए मैंने कैसे लगाया, यहां से उठा के यहाँ पीछे, यहां से उठा के यहाँ घुमा घुमा के इस तरफ ये वाले लेफ्ट से राइट तक हमने ले लिया। उसमें वस्त्र की जो अपने फोल्ड बनती है सलवटे, वो बनाने के लिए ऐसे एक टूल से या तो उंगली से कर सकते हैं, हल्का सा लाइन लेना है वो जो नीचे तक, एक और घुमाएंगे तो और अच्छा ब्यूटी लगेगा। सिंपल फॉर्म में जाएंगे तो एक भी चलेगा, और ज्यादा डिटेल करना हो तो और कर सकते हैं इसमें घुमा के। अभी ऐसा लगेगा कि यहाँ से वस्त्र कहाँ गया आगे, तो उसके लिए हमको यहाँ से यहाँ एक छोटा टुकड़ा वस्त्र का निकालना होगा दोनों साइड, ताकि हमको लगेगा कि ये पूरा घूम के हाथ के नीचे से नीचे की तरफ आ रहा है। सेम पहले जो पट्टी बनाई थी वैसे ही पट्टी बना के इधर चिपकाऊंगा। देखिए ऊपर से घूम के यहां निकला, दूसरा जो लगाना है इधर जहां पहले मैंने सपोर्ट लगाया था वहां लगा रहा। देखेंगे कि ये थोड़ा बड़ा है तो मैं उसको काट लेता हूं। अब चाहे तो नीचे तक ले सकते हैं, लंबा भी बता सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल फॉर्म में आपको समझाने के लिए। अब उसमें जैसे ये दो लाइन लगाई वैसी दो लाइन मैं इधर घुमाऊंगा ताकि उसी का पार्ट लगे। उसमें से दो हल्के लाइन ले लूंगा तो ऐसा लगे कि उपरना का एंड पार्ट है। सेम दूसरी तरफ इसको उंगली से दबा के हल्का सा फिनिश कर दूंगा और पानी लगा दूंगा ताकि वो फिनिश हो जाए।
हम गणेश जी के दो हाथ बनाएंगे, सिंपल फॉर्म में समझो तो एक पानी की बूंद करा, बूंद की तरह ये बनाना है ऐसा से। वो जो पतले वाला पार्ट है उसको मैं दबाऊंगा, बीच में इसे दबाऊंगा और नीचे का पार्ट थोड़ा पतला रहेगा। ऐसा से पीछे की तरफ ऐसा हल्का सा राउंड दे देंगे, जबकि वो पार्ट अपने ये जो हार्ट थे उसमें ये लगेगा। अभी सिंपली आपको दिखा दूं कि हल्का सा ऐसा लगेगा कि हाथ जैसा है। इसमें एक छोटा सा वाटर ड्रॉप बना है जो इस तरह है, इसको मैं यहां लगाऊंगा जो गणेश जी का हाथ में अंगूठा रहता है उसका इस तरह से बनेगा। जी ये एकदम आशीर्वाद देता हुआ हाथ बन जाए। इसको अंगूठे का ऊपर का जो पॉइंट है जो उसको हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा ऐसे। अभी आशीर्वाद देंगे तो ये हल्का सा राउंड है ऐसा वो शेप बन गया है। उसको सही तरीके से उंगली से दबा दबा के उसको फिक्स कर देना है। उसके बाद उसमें बीच में पंजे में तीन लाइन बनाएंगे, तीन लाइन की वजह से चार उंगलियां बनेगी दिखेगी, चार उंगली और एक अंगूठा। ये अभी सिंपल फॉर्म में जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल करनी हो तो हो सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा। ये वाला उंगली वाला पार्ट है जो मैंने हल्का सा बेंड किया है जो नाजुक ही दिखाता है, जैसे ये आशीर्वाद ऐसे सीधा है उसके बदले हल्का सा ऐसे शेप मैंने बनाया है, ये वाला पार्ट मैंने बेंड किया है। देखिए इसको मैं यहीं पे फिक्स करूंगा। अभी मेरा पीछे वाला मिट्टी थोड़ी ज्यादा है तो उसको मैं काट लेता हूं। काटने के बाद यहां रख के देखूंगा कि हाथ अभी भी थोड़ा लंबा लग रहा है, यहां से ये थोड़ा लंबा लग रहा है तो उसको भी मैं थोड़ा काटूंगा ताकि अपने प्रपोर्शन के हिसाब से जाएंगे। अभी मैंने कम से कम आधे इंच इतना काट दिया, उसको यहाँ पानी लगा के उसको फिट करूंगा। देखेंगे तो आशीर्वाद देने की शुरुआत कर दी है गणेश जी ने। अब सेम दूसरा हाथ बनाना है जिसमें दूसरे हाथ में लड्डू आएगा। अभी आप देखेंगे मैंने ये हाथ बना दिया है,
दूसरा वाटर ड्रॉप बनाएंगे। ज्यादा आगे पॉइंट नहीं रखेंगे वाटर ड्रॉप में, ऐसा रखेंगे। उसके बाद जो मैंने पहले समझाया था वैसा आगे से दबा देना है, पीछे का भाग थोड़ा मोटा रखना है। इसमें हम छोटा सा वाटर ड्रॉप बनाएंगे। वो वाटर ड्रॉप में से हम अंगूठा बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह, इसको हम यहां लगाएंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे तो वो अंगूठे का शेप अच्छी तरह ले लेगा। इसमें हम बीच में तीन लाइन बनाएंगे जिसकी वजह से उंगली, चार उंगली दिखेगी। कुछ इस तरह। अब इसको हल्का सा ऐसे आगे से मोड़ना है ताकि लड्डू हाथ में रहे, खड्डा कर देंगे लड्डू या मोदक। देखिए इसको हम यहां लगाएंगे। अब साइड से देखने जाएंगे तो हाथ बहुत लंबा लग रहा है, तो उसको मैं आधा इंच काट दूंगा, जैसे राइट हैंड में हमने काटा था। इसको ऐसे हम फिट करेंगे, इसमें हल्का सा पानी लगा के नीचे के पैर के साथ सपोर्ट देके उसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा कॉइल बनाएंगे जबकि वो हाथ की रिंग बनेगी। उसके गणेश जी के जो हाथ में कड़े होते हैं वो हमने वो जो जॉइंट लगाया उसके ऊपर लगाएंगे ताकि मजबूती भी मिल जाएगी और अपने को ऑर्नामेंट मिल जाएगा। सेम ऐसे दूसरे हाथ यहाँ से की तरफ ले जाएंगे। अगर बड़ा होगा तो उसको काट लेंगे, ज्यादा होगा मेरे पास छुरी है तो छुरी के हो गया है मेरा। हम मोदक का शेप ले लेंगे
जो यहाँ हाथ में रहेगा, हल्का सा उसमें मोदक में लाइंस रहती है जो मोदक का इमेज बनाता है। जब भी आप ये मिट्टी का गणपति बनाते हो, तब सपोज हम ये मोदक लगा रहे हैं, तो मोदक लगाते हो दूसरी जगह पे हाथ हट जाता है तो वो चीज बिगड़ती है। तो अगर कहीं पे ऐसे हाथ लग जाए तो फिर से उसको फिनिश कर देना पानी लगा के या अपने उंगलियों से, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे, लेकिन आराम से करेंगे तो बहुत आनंद भी मिलेगा गणपति बनाने में, और फिनिश करते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरा काम बहुत साफ सुथरा है। बारिया ये इम्पोर्टेंट पार्ट की जिसमें फेस बनाना है हमको, एक हल्का सा खड्डा बनाएंगे जो आपको दिखेगा ऐसे। जो बीच सेंटर में रहेगा जहां अपना गणपति जी का मुंह बनने वाला है, हम वॉटर ड्रॉप की तरह बना रहे हैं, इसको बीच में फिक्स करेंगे और ऐसे दबाएंगे। ओके, फेस का हल्का सा हमने बेज रखा है, इसको नीचे की तरह से फिक्स करेंगे ताकि वो मजबूती से पकड़ा रहे। और थोड़ा मोटा कर देंगे,
इसको धीरे धीरे करके मैं ये फेस थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ कि गणपति जी के बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं उसका फेस बना सकूं। देखिए एक लंबी मिर्ची की तरह हमने पतला सा ये गणपति जी के सूंड के लिए बनाया है, जबकि यहां जाके ये लगेगा। अभी आप देखेंगे मैं खाली ऐसे ही रख के दिखा रहा सामने से कि इससे मैं पूरा फेस का शेप और गणपति जी की सूंड बनाऊंगा। या इसको ऊपर का पार्ट जो है ऐसे दबा के यहाँ लगूंगा। देखिए ये दोनों छेड़ा में मर्ज कर दूंगा मिट्टी के साथ, पीछे के गोले के साथ मिक्स कर दूंगा। मैं भी दोनों जो थंब होते हैं उससे मैं यहाँ डेप्थ बनाऊंगा, जो आंखों का पार्ट बनेगा। देखिए कुछ इस तरह कि मैंने अच्छी तरह सूंड का शेप ले लिया। थोड़ा सा छोटा सा गोली बना के ये दोनों साइड में लगाऊंगा ताकि गणपति जी के गाल बन जाए इस तरह।
उसके बाद मैं छोटे छोटे उसके दो दंत बनाऊंगा। कुछ इस तरह, यहाँ जैसे पतला पीछे से मोटा, इसको मैं यहाँ एक इधर ऐसे मैंने गणपति जी के दंत बना दिए। उसके ऊपर हल्का सा लग ऐसा लगे कि वो चमड़ी के नीचे से दांत निकल रहे, तो उसके ऊपर एक छोटा सा इतना मिट्टी वाला लेके, जैसे आपको ध्यान से देखो ऐसे लगाऊंगा ताकि ऐसा लगे कि दांत अपने मुंह के अंदर से निकल रहा है। उसमें एक दांत कटा हुआ था, उसके बाद छोटी छोटी दो गोली बनानी है जो हम उससे आंख बनाएंगे, वो यहां लगेगी। देखेंगे तो धीरे धीरे अपने गणपति जी का फेस बनने जा रहा है। इसे हम दो गोले बनाएंगे मार्बल, बड़े मार्बल की तरह, जो कान का शेप लेंगे। आपको सामने से दिखा दूंगी है, इसको हमको अंगूठे की वजह से अंगूठे को लेके ऐसे दबा के उसको फैलाना है, जैसे ये से कान की तरफ बनेगा इस तरह कुछ। सेम दोनों दूसरा भी करते हैं। तो दबा के एकदम कान का शेप लेना है। आगे से थोड़ा पतला रहता है जहां से कान का शुरू होता है, उसको यहां ऐसे उसको फिट करना है। ये अभी मैं लगा रहा हूं पीछे से, अच्छा ज्वाइंट करना ताकि वो कभी टूट के निकल ना जाए। पीछे से थोड़ा मिट्टी लेके उसको अच्छा सपोर्ट दे देना है। ऐसे ऐसे दबाऊंगा तो कान का शेप बहुत बढ़िया लगता है। सेम अभी दूसरा, तो मैं पीछे से, ये पीछे की साइड से उसको सपोर्ट दे रहा हूं यहाँ पे। देखेंगे तो जनरल
आंख कान दांत सूंड वगैरह सब अभी रेडी होने आया है। इसको हल्का में पानी लगा के पीछे भी धोती बनानी है। वो आखिर में मैं बताता हूँ, अभी बता दूँ उसको पीछे की धोती के लिए। ये जो पार्ट है यहाँ धोती का एक छोटा सा मतलब धोती का उसका कनेक्शन वहां रहता है, उसके लिए हम कितना मिट्टी लेंगे उसको ऐसे अंगूठे से दबा के एक पट्टी की तरह बनाइए, स्केल की स्केल का एक इंच जितना टुकड़ा हो वैसा। देखिए कम से कम 2 इंच जितना लंबा है, पतला इतना है, ऐसे है। अब उसका ऊपर का हिस्सा हल्का सा मैं बेंड करता हूँ कुछ इस तरह, उसको दोनों साइड से थोड़ा फिनिश करके दबा दे रहा हूँ। अब उसको मैं यहाँ ऐसे फिट करूंगा ताकि धोती का पीछे का पार्ट लगे। इसमें हम ऐसे दो लाइन लगा देंगे। बाकी का धोती का हिस्सा उसमें हल्का सा टूल से ऐसे घुमा देंगे तो ऐसा लगे कि धोती का फोल्ड यहाँ से घूम रहा है। सही है। उंगली थोड़ी गीली करके उसको फिनिश अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी हम आंख हमने बनाई है, आंख के ऊपर अपने जो पापड़ बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में मालूम नहीं है मुझे, पलक पलक, आंखों की पलक, हाँ वो जो बनाया आंखों की पलक, आंखें पलके बनाया सेम इस तरफ।
ऐसा एक शेप बना के मैं ऊपर उसकी गणेश जी की भ्रमर बना रहा हूँ। ब्रकुटी बोलते हैं शायद इसको, आईब्रो, आईब्रो सॉरी। इसके बाद मुकुट की बारी है। मुकुट में आप एक हल्का सा पेंडे की तरह एक शेप बना के मुकुट पहले रख देंगे। ये इसको मैं थोड़ा पीला करके उसके ऊपर फिक्स करूंगा। अच्छी तरह लगा दिया है। ऐसे कोयल की तरह घुमा घुमा के पतली रस्सी की तरह बनाऊंगा, जबकि अच्छी तरह गणपति जी की पगड़ी बन जाए। इसको दबा दबा के ऐसे एक पार्ट लगाया, फिर यहां से दूसरा पार्ट लगाया। दोबारा मैं ऐसी पतली पतली रस्सी बनाऊंगा। ऐसे घुमा के पीछे की तरफ और एक बार बनाना होगा, इसे 3-4 बार बनाना पड़ेगा।
और पतली रस्सी बनाऊंगा, सबसे नीचे चारों ओर घुमाना है। ये हमने पगड़ी वाले गणपति भी बनाए। आप चाहे तो मुकुट भी लगा सकते हैं। मुकुट भी लगा सकते हैं, जैसा आपको सेफ सर पे लगाना हो सकता है। ये हमने वॉटर ड्रॉप की तरह बनाया जो गणपति जी के आगे सेंटर में लगाएंगे। फिर आप इसमें जो भी चाहिए वैसी डिजाइन बना सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे एक छोटा सा डायमंड का शेप दे रहा हूं इसमें। ऑलमोस्ट तैयार होने आए हैं। इसके बाद जो है उसका बैकग्राउंड में बड़ा सा एक चक्कर लगाना है। इसके लिए मैं एक बड़ा सा गोला बनाऊंगा, ये कम से कम ये साइज का, इसे 1.5 इंच/1.5 इंच का गोला होगा। इसको मैं इसको इस तरफ दबा के पेंडे का शेप लूंगा। पेंडा थोड़ा मोटा रहता है लेकिन उसको मैं पतला करूंगा। कुछ इस तरह मैं पीछे इसको फिक्स करूंगा। साइड एंगल से देखेंगे तो ऐसे और फ्रंट से ऐसा दिखेगा। इसको आराम से इसको पीछे से मिट्टी हिट करके इसको फिक्स करना है। मैं पीछे से बताऊं तो यहां से उसको और मिट्टी लगा के मजबूती से पकड़ के रखे।
पीछे थोड़े गणपति जी के बाल रहते हैं, वो मैं यहाँ हल्का सा इतना मिट्टी लेके यहाँ उसको सेव दे रहा हूँ। ताकि अपना वो चक्र भी पकड़ के रखे और बाल का सेप भी मिल जाए। तो पतली वाली कोई चीज से यहाँ शिव जी का त्रिशूल बनाता है। लाइन बनानी है इफेक्ट लगे। इसमें हम ऐसे डिजाइन दे सकते हैं जिसकी वजह से इसकी ब्यूटी और बढ़ेगी। इस तरह धोती के कुछ एक्स्ट्रा फोल्ड बना रहा हूँ जो अपने टूल से हो सकता है। पूरा हो जाने के बाद ये सब आराम से कर सकते हैं आप। छोटा मूषक भी बना दे। हाँ, इसके बाद आखिरी मूषक बना रहा है। मूषक के लिए एक वाटर ड्रॉप थोड़ा बड़ी साइज का दूंगा। उसका आगे का भाग तोते की चोंच की तरह करना है, इसलिए पीछे मूषक का मुंह बना, पीछे का पार्ट बना। आगे से पॉइंट की तरह होना चाहिए। मूषक का हमेशा मुंह आगे से पतला रहता है। तो पीछे का बार हल्का सा यहां से ऐसे दबा के इसको थोड़ा
पीठ का भाग निकालना है। देखिए स्किन केयर के लिए जैसे वाटर ड्रॉप ले रहे हैं, मिट्टी में शेप बनाना है अपने ये दोनों हथेली की वजह से। इसको ऐसे घुमाएंगे तो बीच वाला पार्ट मोटा रहेगा, नीचे पतला रहेगा, ऐसे दो बनाने हैं। ये हमने ऐसे बनाया, इसको ऐसे दबा के पतला करना है और इसको यहां फिक्स करना है ऐसे। उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऐसे घुमा के देना ताकि वो आगे का पंजा बन जाए। उसको ऐसे मास करना है, देखिए कुछ इस तरह। थोड़ी ज्यादा मिट्टी है तो मैं निकाल लेता हूँ। सुखी पीठ में थोड़ा ज्यादा मिट्टी है तो मैं निकाल रहा हूँ।
इसके आगे वाले दो पैर बना रहा हूँ जो पतली ऐसे कोयल बनाना है, दोनों सेम पार्ट में काटना है। वैसे वो मतलब के ये साइड से ऐसे लगेगा, एक इस तरफ के बाद उसकी आंख बनानी है। अपने पास टूथपिक हो तो टूथपिक से भी हो सकता है, अगर छोटी छुरी हो तो छुरी को घुमा सकते हैं। टूथपिक से हल्का सा मुंह का इफेक्ट दे सकते हैं। उसके हाथ में छोटा सा लड्डू इतना छोटा बना के यहाँ फंसा देंगे कि वो लड्डू का हाथ में लेके खड़ा हो ऐसा। उसके बाद यहाँ रख के उसकी पूंछ और कान बनाना है। कान के लिए छोटा दो ड्रॉप लेना है, वाटर ड्रॉप की तरह। उसको ऐसे अंगूठे से दबा के सीधा यहाँ ऐसे चिपकाना है, साइड से दिखेगा कान। इसकी पूंछ बाकी है, यहां से पूंछ उसकी टेल बनाएंगे। थोड़ी मोटी इसलिए रख रहे हैं ताकि जल्दी टूटे नहीं, ये हमने थोड़ा मोटा रखा है। इसको पीछे के बाद में भी बन सकती है, देखिए थोड़ा मोटा है थोड़ा छोटा। देखिए हम सब तैयार, पूरे को मुझे थोड़ा सा ब्रश लगा के फिनिश करना है।
ऑलमोस्ट गणपति तैयार हो गए, मुझे अभी फिनिश करना है उसको। बस एक बार आप स्मूथ कर दो के ब्रश लगा के, ब्रश लगा के मैं उसको स्मूथ कर दूंगा, फिर हमारा रेडी, फिर हमारा गणपति ऑलमोस्ट तैयार। इसमें आप चाहे वैसा उसमें टेक्सचर डिजाइन ये सब कर सकते हैं, जैसे उसका वस्त्र है, धोती की डिजाइन है, हाथ में जो उसके ऑर्नामेंट रहते हैं उसमें डिजाइन करनी है, इसके साथ साथ श्रृंगार भी ले सकते हैं ना। हाँ, जो रेडी श्रृंगार जो मिलते हैं, रेडी श्रृंगार भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप कुछ पत्तों की माला बना दीजिए, इको फ्रेंडली गणेश है, श्रृंगार भी इको फ्रेंडली कीजिए। आप जरा आगे करेंगे इसको, देखिए मैं भूल जाता हूँ, इतना मशगूल हो जाता हूँ काम में कि मैं भूल जाता हूँ कैमरे के सामने बैठा हूँ। अभी छोटे छोटे डिजाइन करनी हो अपने टूथपिक से या चम्मच से या छुरी से, आपको और मजा आएगा जब शेप मिल जाएगा आपको तभी। देखिए यहाँ तक आप सबका अगर शेप आ गया हो तो आप उसके बाद आराम से जो चाहे वो डिजाइन बना सकते हैं इसमें। जैसे मैं अभी आराम से रिलैक्स होकर मैंने तो जनरल प्रोपोर्शन ले लिया और कैरेक्टर भी ला दिया गणपति जी का, तो उसमें मैंने ये अभी उसके जो वस्त्र होते हैं उसमें मैं लाइन कर रहा हूँ। अगर पीछे सर के बाल है तो बाल में भी मैं ऐसे ऐसे लाइन कर सकता हूँ कि ताकि लगे यहाँ बाल है। फिर ऑर्नामेंट है तो ऑर्नामेंट में कहीं पे भी आप छोटी छोटी डिजाइन बना सकते हैं। जब तक ये मिट्टी नहीं सूखेगी तब तक आप काम कर सकेंगे इसमें। छोटे छोटे नाखून बनाने हो तो छोटे छोटे टूल्स का यूज करके आप नाखून भी बना सकते हैं आराम से।
सुंदर सा गणेश अब रेडी हो गया है। आई एम श्योर आप भी इस तरह का गणेश बना पाओगे अपने यहाँ पे। मेरा तो अभी गणेश चल रहा है, अभी हाथ मेरे खराब है, बट हाँ बस ऐसा जो गणेश है ये वाला। और ये हरीश भाई और हम दोनों आपके साथ हैं, और आप हमें जरूर बताइएगा आपका कैसा गणेश बना। एंड देन ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय गणेश।